पैदा होले तो परमिशन ले ले हम बड़ा गलती है हम पैदा होले तो हम बना रहे तो एवरीवन कैसे हो आप लोग। तो मेरी बहन तो कुछ रिप्लाई नहीं करी, ऐसे ही है पागल जैसी। और अपने बोले करे कितना शांत हो जा रहा है, बोलो बोलो। तो आप हम लोग का बीच में मगही वाला भी लैंग्वेज सुन रहे होंगे। तो बेसिकली हम लोग बिहार से हैं, पटना से हैं, और उठ के मेलबर्न आ चुके हैं। और लेकिन अभी भी पूरा पटना वाला ही आदत है। नहीं, हम शादी करके आए हैं। नहीं, तो अगर आप लोगों को भी ऑस्ट्रेलिया घूमना है तो अभी बहुत अच्छा टाइम है ऑस्ट्रेलिया घूमने का। और कुछ हम कुछ करना चाहते हैं, व्लॉगिंग करना चाहते हैं, लेकिन जो मेरे घर में लोग हैं वो लोग नहीं मुझे करने देंगे कभी भी। तो मेरी बहन वैसे डांसर है, यहाँ पे वो डांस सीख रही है। मैं यहाँ पे शादी करके आई थी और काम भी करती हूँ। और मेरे हस्बैंड अभी शेफ हैं, तो उनसे भी आप मिले ही होंगे। तो धीरे धीरे मैं सबको इंट्रोड्यूस करूँगी। और हम तीनों बिहार से ही हैं, पटना से। और हम लोग अब अपने पटना को बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। तो जितने भी पटना के लोग हैं, बिहार से हैं या इंडिया से हैं, मिस करते हैं। नहीं, मिस तो करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा याद आता है। तो जितने भी पटना वाले लोग हैं सब बना दिए। तो मैं क्या, ये मेरी बहन डोसा बना रही है। तो इसके जैसा इतना अच्छा डोसा और कौन कौन बना सकता है। ये एक तरह का कंपटीशन दे रही है सबको। हम भी खुद खा रहे हैं, मेरा मुंह नहीं दिखाओगे, हम नहीं दिखाना चाहते हैं। तुम्हारा मुंह इतना अच्छा भी नहीं। तो ये आप डोसा इतना अच्छा बना कैसे लेती हैं? अपना 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 इतना अच्छा टैलेंट कहाँ से आया है तुम में से? अरे देख लो खान। अच्छा अभी तुम्हारा बन रहा है ना, अभी हम बनाते हैं। बनो ना, रुको बड़का, रुको रुको बस बस हम बाइक पर हैं, पैसे ज्यादा नहीं खा पाएंगे। ये डोसा को तुम डाइट पे ले आई हो? तुम डाइट पे नहीं हो, ये डोसा है डाइट पे। ये देखो आई है मैदान में। इसको लगता है कि ये हमसे ज्यादा अच्छा बना सकती है। Obviously. लोगों की गलत फहमी अभी दूर करते हैं। ओहो, ये देखिए शेफ अंकिता के। हे भगवान, खराब बन जाए तो ना मजा आ जाए, तो इतराइल निकल जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है ये। तो हमर में का खराबी है, हमरो तो इसमें बन लक है। जी नहीं, तुम्हारा गोल नहीं, तुम्हारा गोल है खा के पेट में ही जाना है, गोल है। तो पहले एज प्रेफरेंस हम घी लगाएंगे ना। वो सब आदमी क्या मैंने करे बनावा की। फिर डालेंगे डाइट आलू। बस नहीं हमको चाहिए उतना, नहीं खाना पड़ेगा। थोड़ा सा डाइट फॉलो मत करो, इतना सारा बचा के क्या करेंगे। और अगर आप प्रेफर करते हो क्रिस्पी खाना तो थोड़ा और इसको रखो तवे पे। अभी तो हम रख रहे थे लेकिन जल जाता हूँ। ये मेरा डोसा। कोई नहीं पूछेगा कि एक और सब्जी क्या है, हम नहीं बताएंगे। बताओ कि ये कौन बनाया है, कौन बनाया है इतना अच्छा। हमको बताना ही नहीं कि सब्जी क्या है।
ये मटर पनीर का सब्जी है इन माय स्टाइल। तो अगर आपको शेफ की जरूरत है तो आप अंकिता सनाली को भी बुला सकते हैं डोसा बनाने के लिए। और ये देखिए मेरा डोसा, तो सेम मेरा भी तो वैसा ही है सुंदर सा। मेरा ज्यादा सुंदर है, डिसेंट एटिकेट वाला डोसा। 16 कैरेट के सोना लग लो घूंघट के। हाँ, और जिस किसी को डांस सीखना है तो आप इससे कांटेक्ट करना, ये बहुत अच्छी डांसर नहीं है। ये पिछले जब से पैदा हुई तब से डांस सीख रही है और अभी तक किसी को नाचने आया नहीं है। यूएस वाले ने भगा दिया इसको कि यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया वालों ने शरण दिया है मेरे को। तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने शरण दिया है और यहाँ का व्लॉग अब यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसको शांति से खाने देते हैं। और मुझे भी कुछ काम करना है, वो मैं भी कर लेती हूँ। मिलते हैं कल नए व्लॉग में। और आप लोग मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ढेर सारा प्यार दो। थैंक यू, बाय बाय, लो बाय बाय। और ये देखो इसका खाना, ज़्यादा नहीं दिखाओ क्योंकि नज़र जल्दी लगता है।